माउथ वाटरिंग मलाई लड्डू बनाए हैं मैंने, जो बहुत ही जल्दी मुंह में घुल जाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। चलिए बनाते हैं मलाई लड्डू की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज हम बनाएंगे मलाई लड्डू की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनने वाले हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। यह पनीर मैंने घर पे बनाया है। 1 लीटर दूध को फाड़ के मैंने पनीर बना लिया है और इसको अभी अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे, स्मूथ बना लेंगे, ताकि जो भी मोटे लम्स हैं तो हमारे लड्डू में अच्छे से मिक्स हो जाए। एकदम बारीक इसको हाथ से तोड़ लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे पनीर को। इसको मैश करके रेडी रख लेते हैं पनीर को। ये दूसरा तरफ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको मैंने गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। इसका साइड का मलाई है, वो भी सब निकाल निकाल के इसमें डालते जाएंगे, ताकि हमारे अच्छे दूध एकदम मलाईदार गाढ़ा हो जाए। और ये 1 लीटर दूध को हमको जब तक गाढ़ा करना है, जब तक कि कम से कम 100 से 150 ml दूध तक रह जाए, 1 ग्लास दूध बचे जब तक हम इसको गाढ़ा करेंगे। ये हमारा पनीर भी रेडी हो गया है, अच्छे से मैश कर लिया है मैंने इसको। और ये हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है, अभी 1 ग्लास के आसपास बचा है दूध। अभी हम इसमें डाल देंगे चीनी और चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी ऐड की है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चीनी मेल्ट होने देंगे और जैसे चीनी मेल्ट होगा, इसमें हम पनीर जो हमने मैश करके रखा है वो डाल देंगे। और एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि आपको दूध का जो फ्लेम है आप गर्म करेंगे वो मीडियम से फास्ट रखना है, ताकि हमारे लड्डू वाइट आए, नहीं तो थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा अगर हम स्लो फ्लेम में इसको बनाएंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा शुगर मेल्ट होने तक गर्म कर लेंगे 1-2 मिनट, और उसके बाद में पनीर डाल देंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और अभी हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और इसको चलाते रहेंगे और अभी हमको इसको जब तक गाढ़ा करना है, जब तक कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग ना आ जाए और अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाए, इसका सारा दूध इवेपोरेट हो जाएगा जब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा। ये देखिए, और 2 से 5 मिनट ही इसको लगेंगे अच्छे से, और ये अच्छे से थिक हो जाएगा और इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी। ये देखिए, और इसका कलर भी अभी तक वाइट है, क्योंकि मैं इसमें मीडियम से फास्ट फ्लेम में ही इसको मैंने गाढ़ा किया है दूध को। अभी कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसको और अच्छा से थिक कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है। 5 मिनट लगे मेरे को इसको और अच्छे से गाढ़ा होने के लिए। और अभी हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे प्लेट में निकाल के, और उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए कलर कितना अच्छा वाइट है अभी तक, थोड़ा भी कलर चेंज नहीं हुआ इसका। तभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है और अच्छे से बाइंडिंग भी आ गई है। इस तरीके से अभी थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्मूथ लड्डू बनके हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बन गए हैं। कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं हमारे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। देखिए, देखने से ही लग रहा है कितने यम्मी लग रहे हैं। बहुत ही यम्मी लड्डू बने हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। ये देखिए, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपके मलाई के लड्डू की रेसिपी कैसी बनी है।
मलाई के लड्डू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।